हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फरहीन का किचन। तो आज हम बनाते हैं कोकोनट की बर्फ़ी। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे हम एक पैन, उसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के देसी घी। ये मैं घर की घी यूज़ कर रही हूँ। अब इसे हमें गर्म कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप भर के ग्रेटेड कोकोनट है, ये 240 ग्राम के करीब है। अब हमें इसे घी में भून लेना है। ये मार्केट में ईज़िली मिल जाता है ग्रेटेड कोकोनट। अगर आप मार्केट वाला नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप वैसे सूखा वाला नारियल लाके उसे मिक्सी में पीस सकते हैं, पर ये भी फ्रेश होता है तो बहुत अच्छा लगता है इससे बनाने में भी। अब इसे हमें घी में अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। लो फ्लेम पे ही रोस्ट करें, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें डाल रहे हैं 250 ml के करीब मिल्क को, और हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिल्क ऐड करने से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं, और जो शुगर का सिरप हम बना के डालेंगे तो उससे ये हार्श नहीं बनेगी। इसे हम अच्छे से मिल्क में 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब मैं इसे सेपरेट प्लेट में निकाल ले रही हूँ, और उसके बाद हम सेम पैन में ही डाल देंगे 1 चम्मच के करीब देसी घी। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इसे देसी घी में ही बनाइए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया है 250 ग्राम के करीब शुगर को, और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पानी। अब इसे हमें मेल्ट होने तक पकाना है। वैसे आप इसमें डालडे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी देसी घी हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। और साथ में मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब इलायची का पाउडर, इसे ज़रूर डालिएगा, इससे स्मेल बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर भी इन्हेंस होता है। अब देखिए चाशनी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है, यानी चीनी हमारी गल चुकी है पूरी तरह से। तो अब हम इसे इसमें हम ऐड कर देंगे सारी कोकोनट जो हमने फ्राई की हुई है, अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें ज़रा से भी लम्स नहीं रह जाएं, क्योंकि दूध डालने के बाद ये अपने आप ही थोड़ा सा लम्स इसमें बन जाता है, इसलिए हमें इसे अच्छे से चला देना है। ये देखिए पूरा पानी कोकोनट में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हमें इसे एक बार और अच्छे से चला देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक प्लेट ले लेंगे, और उसमें हम घी को अच्छे से ग्रीस कर देंगे। सारे तरफ अच्छे से लगा देंगे प्लेट में। फिर हमने जो कोकोनट का हलवा तैयार किया है उसे इस प्लेट में डाल देंगे। सारा हलवा हम इसमें ऐड करेंगे, और फिर हम उसे स्पून से इस तरह से लगातार प्रेस करते जाएंगे ताकि प्लेट में ये अच्छे से फैल जाए। अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये देखिए आपको जितनी इसकी मोटाई चाहिए उसी हिसाब से इसको प्रेस करते जाएं। इसे हम 5 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसमें कटिंग कर लेंगे। आप कोई भी शेप इसमें काट सकते हो, पर मैं इसकी बर्फ़ी बना रही हूँ तो मैं बर्फ़ी शेप में ही कटिंग कर रही हूँ इसकी।
बर्फी शेप में हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से कट कर लेंगे। तो फिर हमारा ये कोकोनट की बर्फी तैयार हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, मुंह में डालते ही ये एकदम से घुल जाएगी, बिल्कुल भी टाइट नहीं होती है ये। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसा बनता है उसे ज़रूर कमेंट में आप बताइए। तो फिर मेरे वीडियो को पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास में बेल आइकॉन दिखता है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करिए। और वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।